माफ करना, देर हो गई। 3 दिन लगे रेगिस्तान पार करने में और लगभग 1 दिन तुम्हारे भक्तों के बीच से गुजरने में। भाई, मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। यहाँ तुम्हारा हमेशा स्वागत है। परिवार के लिए आज बहुत शुभ दिन है, तुम्हें तो गर्व होगा। हाँ है। क्या आप देख रहे हो भतीजे, लाजवाब। यहाँ कोई तो है जो अच्छा राजा बनेगा। मुझे लगा कि आप नहीं आएंगे। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। तुम्हारे भाव शिकार का बिगुल, एक ऐसे मेंढे की खोपड़ी से बना जिसने 10 देवताओं को कुचल दिया था। बहुत खूबसूरत है। वो तो है, बजा के देखो। सेठ का तोहफा, बजाओ, इसकी गूंज रात तक पहुंचनी चाहिए। लगता है किसी ने इसे सुन लिया। इसे पहचानते हो? पिताजी ने तुम्हें दिया था। इसी ने मुझे रेगिस्तान में कई रातों तक जिंदा रखा। मुझसे लड़ो। पिताजी नहीं। बीच में मत पड़ो बेटा। क्यों? शांति के 1000 सालों में आपने क्या हासिल किया? एक ऐसा देश जहां कोई इंसान ख्वाहिश नहीं रखता। अब मेरी बारी है। मैं नहीं लड़ूंगा। मैं तुम्हें चाहता हूं भाई, दिल की गहराई। मैं भी चाहता हूं भाई। वाकई परिवार के लिए आज एक बड़ा ही शुभ दिन है। मैं सेट तुम्हारा एक सच्चा राजा बनूंगा, पूरे मिस्र का राजा। जो भी मेरा रास्ता रोकेगा उसे यही सजा मिलेगी। देवताओं, या तो मेरे सामने झुको या मरो। इंसानों, मुझे पूजो या मेरे गुलाम बन जाओ। मेरे भाई ने समझा कि पुनर्जन्म एक तोहफा था। वो भूल गए कि हर एक चीज की कीमत होती है। आज से तुम्हें पुनर्जन्म में प्रवेश करने के लिए दौलत देनी होगी। तुम्हारा सफर अब शुरू हुआ है। अब ये तुम्हारा है। अगर इस मेरी बात मानो, उससे इस वक्त बात करो। मैं आपकी इज्जत करता था और करते रहो। ये सही वक्त नहीं है। सुना है तुम्हारा निशाना कभी नहीं चुकता। देखते हैं। चूक गया। उसके ही बेटे हो ना।
तुम्हें यहाँ का राजा नहीं बना के मिस्र पर एक एहसान कर रहा हूँ। Oh!